mammoth total to you know achieve that target, 400 runs, 399 to be exact, and that too in a knockout game. I think इनकी पार्टनरशिप होप आई थी इनको जब थोड़ी पार्टनरशिप लगी बिटवीन कप्तान विलियमसन एंड ऑफ कोर्स डैरिल मिचेल हु स्कोर्ड ब्यूटीफुल 100 ऑफ 119 डिलीवरीज स्ट्राइक रेट ऑफ 112 एंड पीपल थॉट के चांस है बट आई न्यू डीप इनसाइड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. तो इंडिया में ये चीज़ें नहीं है, इंडिया में स्ट्रॉन्ग इसीलिए टीम ऊपर चली गई है, जमीन से जो टीम हमसे बहुत नीचे थी वो कहाँ चली गई है. तो मेंटल स्ट्रेंथ उनकी उनको हर तरफ से मिल रही होती है, उनकी नेशन से, उनके क्रिकेट बोर्ड से, हर जगह से उनको मिल रही होती है, टीम के अंदर भी सारी चीज़ें बेहतर होती हैं. दोस्तों अपराजेय टीम इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल में प्रवेश किया है, इसको देखते हुए पाकिस्तान में टीम इंडिया की जमकर तारीफ किया जा रहा है. आइए जानते हैं पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है. इंडिया वॉज आई थिंक लास्ट से सेकंड पे है, कल मैंने देखा स्टैट्स जिन्होंने स्लो बॉल कम की है. बिल्कुल, ये उन्होंने कल दिखा रहे थे, मैंने नोट किया, मैंने कहा ये यार अच्छा, हम तो ये समझ रहे हैं क्योंकि वो इतनी अच्छी लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं कंसिस्टेंटली. और मैं उनको ये क्रेडिट देता हूँ शमी को कि उसने बड़ी अच्छी कमबैक की और डिजर्व टू बी हीरो फॉर इंडिया. वो होमवर्क करते हैं, लॉन्ग रन का करते हैं, उन्होंने होमवर्क किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने जो है 10 मैचेस जीते हैं. उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया है, इंजर्ड भी हुए हैं, बुमराह जो थे, केएल राहुल थे, ये श्रेयस अय्यर थे, उन्होंने इनका प्रॉपर रिहैब कराया, इनको प्रॉपर टाइम दिया और फिर जब वो फिट हुए वापस उनको टीम में लेके आए. और ये देखिए थ्रू प्रॉपर चैनल जब भी आप कोई चीज़ करेंगे तो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, यू विन 10 out of 10, वो ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, कंसिस्टेंटली आएंगे और कंसिस्टेंटली जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी परफॉर्मेंस देंगे. मुझे ऐसी फीलिंग आती है इंडिया की टीम से इस वक्त कि इनका आपस के अंदर कंपटीशन है कि मैं उससे बेहतर नजर आऊं, मैं अच्छा परफॉर्म करूं. हेल्दी कंपटीशन उनके अंदर नजर आ रहा है. जो मैच के बाद वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठते हैं, उनका कोच जिस तरीके से एक एक का नाम लेता है कि किसने अच्छी फील्डिंग की, आज का दिन किसका जबरदस्त रहा, तो उसमें वो चाहते हैं कि यार मेरा नाम हो, मेरा कोच नाम, तो वो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन मुझे उनकी टीम के अंदर नजर आया, जो कि बड़ी टीमों की बड़ी बात होती है. जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है नेशनल एनसीए जो है उनका, कि पहले वहां पे राहुल द्रविड़ होते थे, राहुल द्रविड़, Saurav Ganguly, right. Ravi and Shastri. And then Rahul Dravid went from there to be the head coach of the India team. Eventually, right? While Rahul Dravid was there, then he became the coach of under-19. Right, and then went and up. And then there. The A team was Saurav ke under thi. And while that was happening, while Rahul went up, VVS Laxman took over that. Yes. Yes. अगर semi-final में अगर आप 400 run कर देते हैं और ये supposedly एक tough मुकाबला था, ये pressure वाला match था, ये आपकी nerves test होनी थी, और उसमें धोबी पटखे आप जो मारे ऑपोजिशन को बार बार, रोहित शर्मा से ये धोबी पटखा शुरू हुआ और श्रेयस अय्यर तक गया, बल्कि केएल राहुल ने भी आके मेला लूटा, विराट कोहली ने अपनी 50वीं सेंचुरी की, सो बहुत ज्यादा हेडलाइन और बटोरी है. मगर ये जो एक जो यहां से डेवलपमेंट हुई है ना जहन से, और प्रेशर को लेना और प्रेशर में थ्राइव करना और प्रेशर को एक्सेप्ट करके एक्सीलेंस अचीव करना, ये बहुत बड़ी बात है इस भारतीय टीम की. लेकिन ना मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, कल आपने शमी का इंटरव्यू सुनना था, क्योंकि मैं बड़े शौक से लोगों की बात सुनता हूँ सीखने की नज़र से. उसने एक बात की, उसने कहा आई वॉज वेटिंग ऑन अ बेंच एंड आई वॉज नॉट प्लेइंग वाइट बॉल क्रिकेट. ये उसने कहा है कि मुझे वाइट बॉल में चांस नहीं मिल रहा था, तो मैं वेट कर रहा था अपनी ऑप्शन पे. जब मुझे चांस मिला तो मैंने पता क्या किया, मुझे ये पता चला कि आई हैव टू रिमेंबर माई स्ट्रेंथ. और उसकी स्ट्रेंथ पता क्या थी, कमिंग बैक लाइन लेंथ. ये मेंटल स्ट्रेंथ की जो बात करते हैं ना, मेंटल स्ट्रेंथ उस बंदे की होती है जो मैच खेलने से पहले जिसको मौका नहीं मिला और मौका मिला है उसको अपनी मेमोरीज का पता था कि मुझे सक्सेस मिलनी है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है. लाइन लेंथ एंड लाइन लेंथ. अब उनके इंडिया की मैनेजमेंट ने ऊपर वालों ने अच्छा उनको संभाला हो, लेकिन अगर रोहित शर्मा की आप बात सुने, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कोहली से स्कोर नहीं हो रहा था तो वो सवाल करते थे जी कितना चांस देना, और तो वो कहते उसके बारे में पूछ रहे हो, वो इस तरह का जवाब देता था. अच्छा. कि कोहली के बारे में ये बात कर रहे हैं, या मैं अक्सर सुनी उसकी बात, तो वो उसको पता था रोहित शर्मा को, खुद बहुत बड़ा प्लेयर था, बिल्कुल उसको पता था कि कोहली क्या चीज़ है. तो ठीक है, डिसीजन तो बड़ों ने लेने, अगर उसको कप्तानी से उन्होंने हटाया है तो रोहित को जिसने बनाया वो बड़ों का डिसीजन था. आपस में वो बिल्कुल ठीक रहे, वो पता था एक दूसरे को, यार ये सारे प्लेयर अच्छे हैं, हमारी टीम को जितवाने वाले हैं. हमारे यहाँ उल्टी चीज़ चलना शुरू हो जाती जी. है, इसीलिए देखें इंडिया अपने प्लेयर्स जो जेन्युइन प्लेयर होते हैं ना उनको हीरो मानते हैं. मैंने कभी नहीं देखा उन्होंने किसी और किसी वजह से किसी को
जो एबिलिटी जिस वजह से कोई पहचाना जाना चाहिए वो उससे पहचाना जाता है और उसकी वजह से उनके वो लेगेसी चलती आ रही है, सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर, फिर जो उनके जितने भी प्लेयर, राहुल द्रविड़ है, लक्ष्मण है, गंगुली है, जो अभी तक आ रहे हैं, अभी सारे जेन्युइन प्लेयर आ रहे होते हैं। ठीक है, एक ये हमारी मेरी कौम का भी कसूर है इसमें,